हेलो फ्रेंड, आज फाइनली सीबीएसई का जो डिसीजन था 10th और 12th के एग्जाम को लेकर वो आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फाइनली अपडेट कर दिया है कि 10th और 12th के एग्जाम जो 2020-20 कोविड-19 के कारण रुके हुए थे, कभी इनके बारे में क्या डिसीजन रहता था, कभी क्या रहता था। पहले ये कहा गया था कि अब आने वाली 1 से 15 जुलाई के बिटवीन में इनका एग्जाम जो रहेंगे, लेकिन आज जो है इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर दे दिए हैं कि अब जो है 10th के एग्जाम जो है वो कैंसल हो गए हैं। हाँ जी, कंग्रेचुलेशन स्टूडेंट, आपकी जो कंफ्यूजन थी वो आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली खत्म कर दी है और 10th के बच्चों को एग्जाम देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ 12th के एग्जाम जो है वो ऑप्शनल कर दिए गए हैं। ऑप्शनल क्या है यहाँ पे, मतलब कि हम स्टूडेंट्स को सीबीएसई ने ऑप्शन दी है कि वो एग्जाम दे भी सकते हैं और एग्जाम नहीं भी दे सकते हैं। जो बच्चे नो एग्जाम की ऑप्शन को टिक करेंगे, उनकी असेसमेंट जो है वो लास्ट 3 इयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। उनकी लास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जो बच्चों एग्जाम की ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, जैसे ही कोविड-19 की सिचुएशन जो है वो सॉल्व होगी तो उनके एग्जाम हो जाएंगे और उस अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। तो 12th के जो स्टूडेंट हैं वो इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। या तो वो एग्जाम दे सकते हैं जब कोविड-19 की सिचुएशन सेटल्ड हो जाएगी, या फिर वो अगर नो एग्जाम की अगर ऑप्शन लेते हैं तो लास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस के बेस पे उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो फाइनली बात ये होती है कि 10th और 12th के जो एग्जाम है वो सीबीएसई ने आज डिक्लेयर कर दिया है कि वो कैंसिल हो गए हैं। तो एक जो कंफ्यूजन चल रही थी वो आज खत्म हो गई है। तो अब बच्चे नई अपनी क्लास के लिए तैयारी करेंगे और आने वाले जुलाई में 10th और 12th का रिजल्ट भी जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा।